लो फ्रेंड्स, ड्रामा से ले मुश्तिका की अगले किस्त में आप देखेंगे। दुआ अपने क्लास में पोजीशन हासिल कर लेगी और वो बहुत खुश होगी कि मेरे मेहनत रंग ले आया है। व्यूअर्स, दुआ के पेरेंट्स भी इंतहाई खुश होंगे। वो दुआ की कामयाबी और बेहद फखर कर देंगे और ख़ासकर दुआ के माँ बाप इस बात पर खुश होंगे कि दुआ ने कितनी जल्दी मुस्तजाब की यादें भुला दी है और अभी सही और सलामत हो गई है। लेकिन व्यूअर्स, असल में ऐसा नहीं है जिस तरह दुआ के पेरेंट्स समझ रहे हैं, इस तरह कुछ नहीं है। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे मुस्तजाब दुआ के पास आएगा और उसे कहेगा कि दुआ, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। मेरा हर सेकंड, हर मिनट, हर घड़ी तुम्हारे ही यादों में गुजरती है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। व्यूअर्स, मुस्तजाब की दोबारा एंट्री कमाल की होगी क्योंकि व्यूअर्स अब मुस्तजाब की दुआ के सामने इबादत भी कर चुका है और ये दुआ के सामने ऐसे इंसान बन चुका है जिस तरह बनना दुआ को पसंद था। व्यूअर्स, अगले किस्त की कहानी बहुत ही स्पेशल है। दुआ के दिल में दोबारा मुस्तजाब के लिए जज्बात उठ चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, हो सकता है अब अगले करीबी किस्तों में मुस्तजाब की माँ की डेथ हो जाएगी और इसकी वजह से मुस्तजाब और भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। दुआ और मुस्तजाब ड्रामे के लास्ट एपिसोड में एक होकर ड्रामे का खुशी खुशी एंड कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसके हवाले से आप भी अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।